हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रितु और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील मतलब अंडकोश में सूजन आ जाना। ये एक मेल डिजीज है, मेल्स को होने वाली डिजीज है, जहाँ पर टेस्टिस के बाहर जो सेक होता है, स्क्रोटम होता है, वहाँ पर पानी भर जाता है तो वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, उसी को हाइड्रोसील बोला जाता है। तो आज इसी के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहूंगी, क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इसके साथ इसका क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से इसको ठीक किया जा सकता है और कौन कौन सी मेडिसिन ली जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन, अगर आप चाहते हैं मेरे न्यू वीडियोस और लाइव क्लिनिक के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोसील होता क्या है, तो अब मैं बात करूंगी कि हाइड्रोसील होता क्या है। तो हाइड्रोसील की एक नॉर्मल फिजियोलॉजी मैं बताती हूँ सबसे पहले आपको। तो हाइड्रोसील की नॉर्मल फिजियोलॉजी ये होती है कि जो टेस्टिस होती है, मेल टेस्टिस होती है, उसके ऊपर एक स्क्रोटम होता है, एक सैक बना हुआ होता है, जिसके कि अंदर की लेयर जो होती है वो एक सीरस मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। वो सीरस मेम्ब्रेन कुछ डिस्चार्जेस करती है ल्यूब्रिकेशन के लिए और वहाँ पर ही वो नॉर्मली एब्जॉर्व होते रहते हैं। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी रहती है। अगर वहाँ किसी भी डिस्टर्बेंस होने की वजह से, कोई भी कॉज की वजह से अगर वो चेंजेस आते हैं और वहाँ पर जो सीरस मेम्ब्रेन के सिक्रीशन से वो बढ़ जाते हैं और बढ़ने की वजह से वहाँ प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहे हैं, तो जिसे धीरे धीरे वहाँ एक फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग देखी जाती है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है हाइड्रोसील कंडीशन की। ये कंडीशंस कई बार अपने आप भी ठीक हो जाती हैं और किसी भी एज ग्रुप में हो सकती हैं और किसी भी कहते हैं एज के साथ साथ न्यू बॉर्न बेबीज़ में भी देखी जाती हैं। तो न्यू बॉर्न बेबीज़ में भी वो एक बार होने के बाद कई बार अपने आप ठीक हो जाती हैं। और ये लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड या बोथ साइडेड भी हो सकती हैं। तो बट यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ नहीं होने की वजह से कई बार अपने आप ठीक होती है और कई बार अगर वो लंबे समय तक है तो वहाँ पर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि सिम्टम्स क्या देखे जाते हैं, जिससे आप समझ सकें कि हाइड्रोसील के क्या होता है। तो सिम्टम्स जो है स्पेशली जो है वहाँ पर अगर वहाँ स्वेलिंग आ जाना, उसका आकार बड़ा हो जाना, सूजन आ जाना जो देखा जाता है। तो आकार अगर बढ़ रहा है आपकी टेस्टिस का, आपके स्क्रोटम का साइज बढ़ रहा है क्योंकि अंदर फ्लूइड भर चुका है, और उसके साथ में अगर आपको वहाँ पर आसपास की स्किन में लालामी दिखाई देती है, रेडनेस दिखाई देती है, यही सिम्टम्स होते हैं हाइड्रोसील के। हाँ, इसके साथ साथ आपको कुछ डिस्कम्फर्ट देखा जाता है। डिस्कम्फर्ट मतलब कि आपको कहते हैं वहाँ पर जो है चलने फिरने में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उठने बैठने में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, यही सिम्टम्स देखे जाते हैं। पेनफुल कंडीशन सिर्फ इन्फेक्शन के टाइम पे होती है, जब अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन भी साथ में हो गया है तब फिर वो पेनफुल कंडीशन हो जाती है। देन इसके बाद हम आते हैं कॉजेज पे। तो क्या कॉजेज होते हैं हाइड्रोसील के। तो कॉजेज की बात करें तो कारण अभी तक पूरे तरीके से प्रूव नहीं हुए कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस देखी गई हैं जहां पर हाइड्रोसील देखा जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है वो होती है इंजुरी की, मतलब कि चोट लग जाना। तो चोट लग जाने की वजह से भी कहते हैं कई बार हाइड्रोसील देखा जाता है। अगर वहाँ पर चोट लगी है तो उसकी वजह से वहाँ पर सीरस मेम्ब्रेन बढ़ जाती है और वहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है, तो उसको हाइड्रोसील बोला जाता है। दूसरा कारण होता है वो होता है वेट लिफ्टिंग। जो लोग बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं, भारी सामान उठाते हैं बार बार, तो वहाँ पर भी प्रेशर की वजह से हाइड्रोसील देखा जाता है उन लोगों में, जो लोग बहुत ज़्यादा जिमिंग भी करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली चीज़ें उठाते हैं, दिन भर वेट लिफ्टिंग का काम होता है, तो उन लोगों में हाइड्रोसील देखा जाता है। नेक्स्ट कंडीशन होती है वो होती है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स में, आपके फादर में, दादाजी में कहीं पर भी किसी को हाइड्रोसील की परेशानी रही थी तो वहाँ पर भी उसकी वजह से आपको हाइड्रोसील हो सकता है। देन इसके अलावा कुछ डिजीजेस होती है जैसे कि एसटीडीज होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में भी वहां पर हाइड्रोसील देखा गया है और वहां पर इन्फेक्टेड देखा गया है, जिसकी वजह से पेनफुल कंडीशंस भी देखी जाती हैं। देन इसके अलावा कुछ डिजीज होती है जैसे कि फाइलेरिया, तो फाइलेरिया भी देखा जाता है वहां पर, तो उसके कारण भी हाइड्रोसील देखा जाता है। तो ये रहे कॉजेज। अब मैं बात करूंगी इसके ट्रीटमेंट पे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे, कि हाइड्रोसील के लिए आप कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेरी मेडिसिन जो है वो है आर्निका मोंटाना। तो आर्निका मोंटाना मेडिसिन को यूज़ किया जाता है स्पेशली इंजुरी की केस में, जब अगर आपको चोट लगने की वजह से हाइड्रोसील हुआ है तो वहाँ पर आर्निका मोंटाना की कुछ डोजेज अगर ले ली जाए 200 पोटेंसी में और चोट लगी है तो वहाँ पर आपको रिपीटेशन ज़्यादा करनी है, दिन में 3 से 4 बार ले लेते हैं, 5 डेज तक ले लेते हैं, तो वहाँ पर हाइड्रोसील
जो है नहीं बढ़ेगा और ठीक हो जाएगा आपका हाइड्रोसिल आर्निका मोंटाना मेडिसिन से। इसके अलावा मेडिसिन है रोडोडेंड्रॉन, तो रोडोडेंड्रॉन मेडिसिन भी बहुत इफेक्टिव होती है, इसको 30 पोटेंसी में दिन में दो बार लिया जा सकता है। देन नेक्स्ट मेडिसिन जो है मेरी वो है ब्रायोनिया एल्बा, ब्रायोनिया एल्बा को 30 पोटेंसी में दिन में 2 टाइम्स ले सकते हैं, क्योंकि ब्रायोनिया एल्बा का मेडिसिन का सबसे अच्छे सिम्टम्स होते हैं अगर कहीं की भी सीरस मेम्ब्रेन में अगर फ्लूइड बढ़ रहा है, वहाँ के सिक्रीशंस बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है ब्रायोनिया एल्बा, इसको भी 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लिया जा सकता है। देन इसके अलावा पल्सेटिला मेडिसिन भी ले सकते हैं, इसको भी 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है पल्सेटिला फॉर हाइड्रोसिल, तो ये मेडिसिन लेके आप अपना हाइड्रोसिल ठीक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके शेयर करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।